जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल में ट्रेडमैन के जो फिजिकल आपके चल रहे हैं, अब ऐसे में जो बात आती है वो निकल के ये आ रही है कि हमारा जो एग्जाम होगा वो कब तक कंडक्ट होगा, और साथ ही में इसकी जो कट ऑफ जाती है वो कैसे इसकी कट ऑफ बनती है और कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, जिससे कि हम अपनी तैयारी को उसे अकॉर्डिंग कर पाए और इसमें सिलेक्शन ले पाए। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट बुक आती है चक्सु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट के बारे में, इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो कब तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो देखिए, सिलेबस के बारे में आई होप आप सभी को पता ही होगा, चार सेक्शन इसके रहते हैं। एक आपका मैथ हो गया, एक आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, और हिंदी और इंग्लिश में से एक ऑप्शन ऑप्शन आपको चूज करना होता है। हिंदी चाहे तो हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश दे सकते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या होती है 100, जिसमें हर एक सेक्शन में आपकी 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं, यानी ईच पर क्वेश्चन आपको एक नंबर दिया जाता है। तो ये आपका पेपर रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, ऑफलाइन आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपका जो पेपर है इसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो लगभग नवंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अप्रोक्स मैं आपको बता रहा कि नवंबर में आपका एग्जाम हो ही जाना, उससे थोड़ा बहुत 10-15 दिन मैक्सिमम आगे पीछे आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपका नहीं जाने वाला। और मैक्सिमम डेडलाइन अगर मैं मानूं तो नवंबर लास्ट तक आप मान सकते हैं, और आप मान सकते हैं अक्टूबर लास्ट में। तो इसी एक महीने के अंतराल में जो होगा आपका एग्जाम जो होगा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले पाएं। अब इसी के साथ एक बड़ा डाउट निकल के आता है यहाँ पे कट ऑफ का। तो देखिए, कट ऑफ के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि कट ऑफ के लिए आप सभी जानते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो स्टेट वाइज ही इसकी कट ऑफ होती है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी रिजर्व रखी गई है, इसी के अकॉर्डिंग जो इसकी कट ऑफ होती है वो भी इसी के अकॉर्डिंग तैयार होती है। तो इसीलिए आप सभी को अपनी जो तैयारी करनी है अपने कैटेगरी है ना, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ट्रेड हैं, हर एक ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे रहती है। बहुत बार आपने लास्ट टाइम आप सभी को बता दूं, मैं लास्ट ईयर में जो भर्ती हुई थी उसके बारे में आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें डिटेल में जो ऑफिशियल इसकी कट ऑफ थी उसके बारे में मैंने बताया था। उसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी जो कट ऑफ होती है कुछ कैटेगरी में, जैसे कुक वगैरह की थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाती है, बाकी की जो ट्रेड है उनमें काफी कम कट ऑफ गई थी। जैसे कि जनरल की कुछ कैटेगरी में गई थी, कुछ स्टेट में 60 पे गई थी, 61 पे गई थी, लेकिन कुछ जगह पर कुछ स्टेट में ऐसी भी हालत थी जहां पे ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा गई थी और जनरल की कट ऑफ कम गई थी। तो डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख लेना, जिसमें आप सभी को पूरी डिटेल में बताया गया, ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो आप सभी को वहां पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, तो फटाफट से जाके अपनी तैयारी और अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।